Good morning, students. How are you all? Hope you all are okay. Okay, so students, our today's topic is recruitment and selection. Okay, our today's topic is recruitment and selection. Okay, so now we will see that what is the meaning of recruitment and what is the meaning of selection. Okay, so students, our first topic is meaning of recruitment. Okay, our first topic is meaning of recruitment. Recruitment ka matlab kya hota hai? It means attracting more and more candidates. Okay, iska matlab hota hai attract karna ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को. इट मीन्स अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशंस. इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो क्या करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ज्यादा से ज्यादा उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो क्या करें, अप्लाई करें वैकेंट जॉब पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो खाली पोजीशंस होती है, जिसके लिए क्या होते हैं, हमें एम्प्लॉयज की नीड होती है, उसके लिए हम ये करते हैं, उसे हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, इसके लिए अप्लाई करें ताकि हम उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करें, वो होता है सिलेक्शन. बट अभी हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट की. तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, इसमें होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजिशन अगर खाली है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, अप्लाई करें जो पोजिशन खाली है. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट. ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं जो पोजिशन खाली होती है उसके लिए. ओके, अब इसमें क्या होता है, जो रिक्रूटमेंट होता है इसमें ज्यादा टाइम, लेस टाइम रिक्वायर, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इसमें क्या है, नॉर्मल लोग आएंगे अप्लाई करेंगे, हम जितने लोगों ने भी अपने रिज्यूमे दिए होंगे उसमें से हम क्या करते हैं, कोई सिलेक्ट करते हैं, तो वो सिलेक्शन ही होता है. बट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, ओनली जो कैंडिडेट्स जिन मतलब जो इंटरेस्टेड होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रिज्यूमे देते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट. और ये क्या होता है, सिंपल प्रोसेस भी होता है. ओके, और इसमें क्या होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, एक बार आएंगे अपना रिज्यूमे देंगे एंड दैट्स इट. ओके ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्शन. हमारा फर्स्ट टॉपिक था रिक्रूटमेंट. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिलेक्शन. सिलेक्शन मीनिंग ऑफ सिलेक्शन इज, सिलेक्शन मीन्स सिलेक्ट वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट. मीन्स सिलेक्शन में क्या होता है, रिक्रूटमेंट करते हैं जो पोजीशन खाली होती है उसके लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं. ओके, उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, बट सिलेक्शन ये करते हैं जितनों ने भी अप्लाई कर करता है उसमें से हमारा जो भी बेस्ट होता है एक, उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. ओके, सिलेक्शन मीन्स सिलेक्ट वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट. जो भी बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. ओके ओके, तो मीन्स जो हम एक बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं वो हम क्या करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी, उनके स्किल, उनका नॉलेज देख के हम क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं. ओके, सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट एज सून एज रिक्रूटमेंट एंड. जैसे ही रिक्रूटमेंट, जितनी जल्दी एंड होता है, जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड होता है वैसे ही क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट इट इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. मीन्स जो रिक्रूटमेंट था, रिक्रूटमेंट क्या था, एक बहुत सिंपल प्रोसेस था. उसमें सिंपल क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट्स मतलब इंटरेस्टेड होते हैं उस पोजीशन के लिए, वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं उसके लिए. ओके, बट इसको क्या होता है, सिंपल प्रोसेस होता है. और जो सिलेक्शन होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं. उसमें क्या होता है, जो मैनेजर होगा वो क्या करते हैं, बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं. उसमें क्या होता है, जितने भी ट्राई करते हैं उसमें से उन सबको देखना पड़ता है कौन बेस्ट है, किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाना, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू, ये सब चीज़ इनमें क्या होता है, बहुत टाइम लगता है. तो ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है. ओके, एंड मोर टाइम रिक्वायर. और इसमें क्या करते हैं, जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें लेस
वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए। एंड जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगता है। वो ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, क्योंकि उसमें से जितने ने भी अप्लाई कर रहा होता है उसमें से हम एक बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। और रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया था उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, बट सिलेक्शन प्रोसेस में जो मतलब कैंडिडेट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बिकॉज इसमें क्या होता है, पहले हम एक इंटरव्यू लेंगे, फिर सेकेंड इंटरव्यू हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है, ओके, फिर अगर कोई सिलेक्ट होगा तो उसको मेडिकल टेस्ट के भेजना, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आपको सिलेक्शन प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो इसलिए इसमें क्या होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके बहुत सी चीज़ें, बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ओके ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस देखें कि डिफरेंस क्या है, तो आप यही लिख सकते हैं, पहले उनका मीनिंग, जो रिक्रूटमेंट का मीन है, जो भी रिक्रूटमेंट का मतलब है और जो भी सिलेक्शन है, पहले आप लिख सकते हो। देन आप लिख सकते हो कि जो रिक्रूटमेंट होता है वो क्या होता है, एक सिंपल प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट एक सिंपल प्रोसेस होता है, बट जो सिलेक्शन होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, रिक्रूटमेंट में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, बट सिलेक्शन में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट में लेस टाइम रिक्वायर्ड, रिक्रूटमेंट में क्या होता है, बहुत कम टाइम लगता है, एंड जो सिलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, मोर टाइम रिक्वायर, ज़्यादा टाइम लगता है। ओके ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट, मीन्स रिक्रूटमेंट के कौन कौन से मैथड होते हैं। तो रिक्रूटमेंट के कितने मैथड होते हैं, टू। ओके, एक इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है और एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट मीन्स जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, तो उसका ट्रांसफर कर देते हैं या फिर हम उसका क्या कर देते हैं, प्रमोशन। तो इसको क्या होते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट, जब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर क्या होता है, रिक्रूटमेंट। ओके, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मीन जब बाहर से ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कोई उस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, मीन जो पोजीशन खाली है, हमें किसी एम्प्लॉय की, किसी वर्कर की नीड है, तो उसके लिए कोई क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कोई पर्सन उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ओके, लेकिन अगर हम क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही उस जो पोजीशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है, ट्रांसफर, और एक क्या होता है, प्रमोशन। ओके, ट्रांसफर मीन्स अगर वो क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट में है, सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो हम ये कहते हैं कि हमें लगता है कि परचेस डिपार्टमेंट में ज़्यादा अच्छे से काम कर लेगा। ओके, तो हम ये कहेंगे उसको परचेस डिपार्टमेंट में हम उसका ट्रांसफर कर देंगे, उसका सैलरी वही रहेगी, उसकी जो अथॉरिटी लेवल होता है सब चीज़ सेम रहेगा, बस उसका क्या होगा, एक जॉब से जो एक जॉब पोजीशन होगा उससे उसके दूसरी हो जाएगी, मतलब हर चीज़ सेम रहेगा, बस ट्रांसफर होगा नॉर्मल। ओके, अब क्या होता है, प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, हमारे कोई क्लर्क है उसका हमें लगता है कि ये मतलब अच्छा कर सकता है, तो हम क्या करते हैं, उसका प्रमोशन कर देंगे। जैसे वो क्लर्क है, अगर वो अच्छा कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको अकाउंटेंट पोजीशन में डाल सकते हैं। ओके, इससे क्या है, मतलब उसका जो लेवल है वो क्या है, बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, जो उसकी सैलरी होगी, उसका अथॉरिटी लेवल, हर चीज में इसका, इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, बट जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर में कुछ नहीं बढ़ता, सिर्फ उसकी पोजीशन मीन जो जॉब पोजीशन होती है थोड़ी सी चेंज होती है। ओके, एंड इसमें जो होता है प्रमोशन में, प्रमोशन मीन एक डिपार्टमेंट जैसे क्लर्क से वो अकाउंटेंट में गए, तो इसमें उसका प्रमोशन हुआ है, वो लो लेवल में था वो थोड़ा हाई लेवल में आ चुका है, तो ये प्रमोशन होता है। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बाहर से जो रिक्रूटमेंट होता है वो कैसे होता है, उसे कैजुअल कॉलर में क्या होता है. जैसे किसी ने पहले कभी अप्लाई करा होगा हमारी किसी पोजीशन के लिए, मतलब जो खाली रही होगी उसके लिए अगर किसी ने अप्लाई करा होगा, ठीक है, तो जो मैनेजर होता है वो अब उनके एप्लीकेशन जो उन्होंने दी होती है वो चेक करता है. अगर उसमें कोई बेस्ट निकल जाता है तो वो क्या करते हैं, उनको ही कॉल करके बुलाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर मीन्स जैसे ठेकेदार टाइप. जैसे क्या होता है, जैसे लेबर्स होते हैं, जब क्या होता है कुछ काम होता है तो वो क्या करते हैं कॉल कर देते हैं, उसको बुला देता है. ये क्या होता है कुछ टाइम तक होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, मतलब इतने टाइम तक का है. जैसे 6 मंथ का कोई है कि मतलब तुम्हें 6 मंथ के लिए मतलब किसी को बुलाना है, काम करना है कोई है, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये करते हैं जिनसे उनकी जान पहचान होती है उनको कॉल करते हैं और बुलाते हैं और उन्हें बताया था कि इतना टाइम पीरियड है, 6 मंथ या 4 मंथ 2 मंथ जितना भी होता है, ये होता है कॉन्ट्रैक्टर. नेक्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन्स जैसे क्या होता है, जैसे कोई छोटे लेवल से प्यून वगैरह, इनमें क्या करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लेते हैं. इसमें जैसे कोई आया, उन्होंने मतलब बताया ये हो, तो उसमें हम क्या करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, ज़्यादा हम डिटेल वगैरह नहीं लेते. तो ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. ओके स्टूडेंट्स, मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट कितने होते हैं, रिक्रूटमेंट के कौन से दो मैटर होते हैं, इंटरनल और एक एक्सटर्नल. इंटरनल मीन जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही क्या कर देते हैं, जो वो पोजिशन खाली होती है उसको फिल कर देते हैं. एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जो वो पोजिशन खाली रहती है उसको हम क्या करते हैं, किसी बाहर वाले से वो फिल करते हैं. ओके सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज सिलेक्शन प्रोसेस. ओके, सिलेक्शन प्रोसेस मतलब जब हम किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है. ओके, सिलेक्शन मीन आपको पता है जितने भी ट्राई करा रहता है, अप्लाई करा रहता है, वो जो पोजीशन खाली रहती है उसके जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा था उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. ओके, तो सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या है. फर्स्ट इज स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, मीन सारे एप्लीकेशन को देखते हैं. ओके, जो भी थोड़े बेस्ट होती है, जो ठीक उनको लगते हैं, वो क्या करते हैं, उनको सिलेक्ट किया मतलब एक जगह रख देते हैं, उनको वो क्या करते हैं फिर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के लिए करते हैं, वो उनको उसको मतलब जिनको भी उन्होंने सेलेक्ट कर रहता है उनको बुलाते हैं. ओके, एक क्या होता है इंटरव्यू होता है, उसमें उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनकी स्किल नॉलेज वगैरह क्या करते हैं, चेक करते हैं. ओके, नेक्स्ट जब प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, जब वो उसमें सिलेक्ट हो जाता है. ओके, सिलेक्शन टेस्ट, इसमें ये क्या होता है रिटन टेस्ट होता है. इसमें भी क्या होता है, जो कैंडिडेट है जिसने अप्लाई करा रहता है उसमें वो उसका रिटन टेस्ट लेते हैं, उसका नॉलेज देखते हैं कि इसको कितना नॉलेज है, ये सब चीज़ें उसमें देखा जाता है. ओके, जब इसमें वो सिलेक्ट हो जाता है तो एक फाइनल इंटरव्यू में बुलाया जाता है, मतलब उसमें हर चीज मतलब वो पूछते हैं उनसे जो भी उनको लगता है कि वो पूछना चाहिए उन्हें. ओके, और इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है मतलब एम्प्लॉय कैंडिडेट होता है वो भी उनसे पूछता है, जैसे सैलरी वगैरह, टाइम, ये सब चीज़ें वो पूछता है इसमें. ओके, नेक्स्ट चेकिंग द रेफरेंस, जब फाइनल इंटरव्यू में वो सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद होता है चेकिंग द रेफरेंस. ये होता है, इसको क्या करता है, उनका जो भी रेफरेंस होता है वो चेक करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट सिक्स्थ इज सिलेक्शन डिसीजन. सिलेक्शन डिसीजन, जब सबसे पहले वो एप्लीकेशन देखते हैं, ओके, वो देखते हैं मतलब कौन कौन से बेस्ट होंगे, जो भी बेस्ट होता है उनके एप्लीकेशन एक साइड रखते हैं. ओके, उसके बाद सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, वो उसमें उसका वो ओरल टाइप का होता है, पूछते हैं. ओके, नेक्स्ट जब ये हो जाता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, इसमें उनकी स्किल नॉलेज देखते हैं. ओके, नेक्स्ट फोर्थ फाइनल इंटरव्यू, जब ये सब हो जाता है फाइनल इंटरव्यू उनको लेते हैं. मैंने आपको बताया था इसमें जो इंटरव्यू लेता है वो भी उनसे मतलब सब कुछ पूछता है, और जो कैंडिडेट होते हैं वो भी मतलब जो जॉब से रिगार्डिंग जितनी बात होती है वो पूछता है. ओके, फिर रेफरेंस चेक करता है, अगर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं इन सब प्रोसेस में. उसके बाद वो क्या करते हैं, जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो क्या करता है, कैंडिडेट का रेफरेंस चेक करते हैं. ओके, नेक्स्ट सिक्स इज सिलेक्शन डिसीजन. इन सब के बाद वो
उस चीज मतलब डिसाइड करते हैं कि किसको हमें सिलेक्ट करना चाहिए. इसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं मतलब सिलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनेशन. मीन्स जब वो सिलेक्ट कर देते हैं किसी कैंडिडेट को, जब वो सिलेक्ट कर देते हैं उसके बाद वो उसे कहाँ भेजते हैं, एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए. ओके, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन वो क्लियर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है आउट हो जाते हैं. ठीक है, जब वो सिलेक्ट कर देते हैं उसके बाद करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के भेजते हैं. मेडिकल एग्जामिनेशन जो क्लियर कर देते हैं उसके बाद उसे वो क्या करते हैं, जॉब ऑफर करते हैं. ओके, एक लेटर देते हैं कि मतलब आपसे जॉब मतलब जो ये है आप अप्लाई कर सकते हैं. क्लास होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एक अगर कॉन्ट्रैक्ट तो साइन वगैरह करवाते हैं, यही होता है इसमें प्रोसेस में. ओके, और जो जिसको सेल करते हो तो जितने भी उसमें जो उस जॉब में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनसे वो मिलाते हैं, ये सब होता है इसमें. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. दिस इज अ सिलेक्शन प्रोसेस. फर्स्ट इज द स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, नेक्स्ट प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, नेक्स्ट सिलेक्शन टेस्ट, नेक्स्ट फाइनल इंटरव्यू, नेक्स्ट इज चेकिंग द रेफरेंस, नेक्स्ट सिलेक्शन डिसीजन, नेक्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, एंड लास्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था रिक्रूटमेंट, मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट टॉपिक था मीनिंग ऑफ सिलेक्शन. ओके, नेक्स्ट था डिफरेंस. नेक्स्ट इज मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एंड नेक्स्ट लास्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस. ओके स्टूडेंट, रिक्रूटमेंट में जो भी जॉब पोजिशन आपकी खाली है उसके लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं हम रिक्रूटमेंट. एंड जब रिक्रूटमेंट मतलब हो जाता है, जिन जिनने भी अप्लाई करा रहता है उसके बाद होता है हमारा सिलेक्शन. सिलेक्शन में जितनों ने भी अप्लाई करा है उसमें से बेस्ट को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं उनकी कैपेबिलिटी, उनका नॉलेज, उनका स्किल देखते हुए. ओके ओके स्टूडेंट, सो आवर टुडेज टॉपिक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज कंप्लीटेड हियर. ओके स्टूडेंट, सो बाय बाय एंड टेक केयर.